हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में यामाहा FZS V3 का माइलेज टेस्ट करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, 4010 किलोमीटर चल चुका है मेरी बाइक और सेकंड सर्विसिंग हो चुका है। ठीक है, इसके बाद ही करने जा रहा हूँ। सेकंड सर्विसिंग हो चुका है और 4000 किलोमीटर चल चुका है। ये देखिए, टंकी खाली हो चुकी है। अब इसमें मैं पेट्रोल भरा लूँगा, ठीक है, और यहाँ से फिर माइलेज टेस्ट शुरू होगा। मतलब कि नेक्स्ट बार, मतलब कुछ अभी टंकी भराने के बाद, कुछ दूर चलाने के बाद फिर से टंकी फुल कराऊंगा और जितना पेट्रोल आएगा और जितना दूरी तय करूंगा उसके हिसाब से निकालेंगे क्या क्या माइलेज देता है। अभी देख लिए, 4010 किलोमीटर चल चुका है गाड़ी। ठीक है, अभी मैं पेट्रोल पंप पे ही खड़ा हूँ और जा रहा हूँ मैं टंकी को फुल कराने के लिए। ये हो रहा है टैंक फुल। पेट्रोल टंकी में तब तक पेट्रोल भरेगा जब तक नोजल ऑटो कट हो जाता है। मतलब कि वो उसके जो नोज़ल होता है पेट्रोल डालने वाला पाइप, उसके मुंह पे जब पेट्रोल टच होगा वापस टंकी से तो वो ऑटोमेटिक कट हो जाता है। बस वहीं तक पेट्रोल भराऊंगा मैं। ठीक, देखिए आने वाला मुंह पे देख रहे हैं, वापस ये ऑटो कट हो चुका है। स्लिप दे दीजिएगा। ये हमने टंकी फुल कर लिया है, जैसे कि आपने देखा 4010 किलोमीटर चल चुका है गाड़ी और अभी मैंने टंकी पेट्रोल टैंक पे टंकी फुल कर ली है। ये देखिए टंकी फुल हो चुका है। अब 100 या 200 किलोमीटर चलाने के बाद इसका माइलेज फिर से मैं टंकी फुल करूँगा और बताऊँगा कितना ये माइलेज दिया है। ये मैं पेट्रोल पंप पे आ चुका हूँ और ये हो गया है 4151 किलोमीटर, 4151 किलोमीटर। अब मैं पेट्रोल भराने जा रहा हूँ। देखिए पेट्रोल पंप, ये रहा पेट्रोल पंप और ये गाड़ी चल चुकी है जैसा कि मैंने दिखाया। फिर से दिखा देता हूँ, ये दिख रहा होगा आपको 4151 किलोमीटर। अब मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल फुल कराता हूँ टंकी में पूरा फुल और देखते हैं इक्वेशन निकाल के क्या माइलेज दी है गाड़ी सेकंड सर्विस के बाद। चलिए पेट्रोल पंप पे। देखिए मैंने पेट्रोल भरा लिया है 4051 पे। अब मैं खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए पेट्रोल टंकी फुल हो चुकी है। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, 4010 किलोमीटर से स्टार्ट किया था हमने माइलेज टेस्ट करना। 4151 गाड़ी है, टोटल हुआ 141 किलोमीटर, जो कि 241 किलोमीटर चलाने के बाद 2.93 पेट्रोल आया है पेट्रोल टैंक पर। ठीक है, तो जिसको मैं डिवाइड करता हूँ 141 से तो फाइनल निकल के आता है 48.122 किलोमीटर पर लीटर, जो कि डिसेंट माइलेज है। ख़राब नहीं कर सकता, ग्रेट सीसी के बाइक के हिसाब से यह काफ़ी अच्छी माइलेज है। माइलेज आपको मैंने बता दिया है, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से यह माइलेज सेटिस्फेक्शन लायक है या नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।